सभी को नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने कोसी सीक्वेंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन नॉर्म लीनियर स्पेस, कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन, कंप्लीट स्पेस में हमने डिफाइन किया था इफ एवरी कोसी सीक्वेंस इन ए स्पेस इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेज टू सम पॉइंट ऑफ दैट स्पेस देन इट इज कॉल्ड कंप्लीट स्पेस। इसी के साथ कन्वर्जेंट सीक्वेंस की एक दो प्रॉपर्टीज हमने वहां पर की थी। इफ सीक्वेंस एक्स एन एंड वाई एन आर कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज इन ए नॉर्म लीनियर स्पेस, एक्स एन कन्वर्जेज टू एक्स, वाई एन कन्वर्जेज टू वाई, देन एक्स एन प्लस वाई एन कन्वर्जेज टू एक्स प्लस वाई। इसी तरह से इफ एल्फा एन इज ए सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स इन ए नॉर्म लीनियर स्पेस सच दैट एल्फा एन कन्वर्जेज टू एल्फा एंड ए सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेज टू एक्स, देन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंसेज दैट इज एल्फा एन एक्स एन कन्वर्जेज टू एल्फा एक्स, ये प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट की थी। आज हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर नॉर्म लीनियर स्पेस से रिलेटेड करना चाह रहे हैं, बनाक स्पेस। तो बनाक स्पेस क्या होगा? नॉर्म लीनियर स्पेस हम प्रूव कर चुके हैं, नॉर्म लीनियर स्पेस की डेफिनेशन हम आपको पहले के लेक्चर्स में दे चुके हैं। नॉर्म लीनियर स्पेस ही बनाक स्पेस बनेगा, तो नॉर्म लीनियर स्पेस में कौन सी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा होगी जो उसको क्या बनाएगी? बनाक स्पेस। तो लिखिए बनाक स्पेस डेफिनेशन, ए कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस इज कॉल्ड ए बनाक स्पेस। बनाक स्पेस दैट इज नॉर्म लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीट। तो ये डेफिनेशन हमारे पास बन रही है, एक कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस इज कॉल्ड बनाक स्पेस। तो नॉर्म लीनियर स्पेस में तीन प्रॉपर्टीज हम प्रूव करते हैं। अगर ध्यान हो आपको, नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए क्या प्रूव करते हैं हम? नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नॉर्म एक्स इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। थर्ड प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ एल्फा एक्स इक्वल टू मोड एल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हम नॉर्म लीनियर स्पेस के लिए प्रूव करते हैं। अगर इन तीन प्रॉपर्टीज के साथ साथ कंप्लीटनेस वाली प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई हो रही है तब नॉर्म लीनियर स्पेस क्या कहलाएगा? बनाक स्पेस कहलाएगा। कंप्लीट स्पेस क्या होगी? कंप्लीट स्पेस हम डिफाइन कर चुके हैं, अगर किसी स्पेस में हर एक कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तब वो स्पेस क्या कहलाएगा? कंप्लीट स्पेस। तो यहां से आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दैट इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस इज ए बनाक स्पेस इफ ए नॉर्म लीनियर स्पेस, जिसको मैं कैपिटल एक्स से लिख रहा हूं, ए नॉर्म लीनियर स्पेस कैपिटल एक्स इज ए बनाक स्पेस इफ एवरी कोसी सीक्वेंस इन एक्स कन्वर्जेस टू सम पॉइंट ऑफ एक्स, कन्वर्जेस टू सम पॉइंट ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? नॉर्म लीनियर स्पेस आपके पास है और हर एक कोसी सीक्वेंस एक्स के ही किसी ना किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करना चाहिए। अगर हर एक कोसी सीक्वेंस जो हम एक्स के अंदर ले रहे हैं एक्स के ही किसी ना किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा तो वो कंप्लीट स्पेस हो गया। नॉर्म लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीटनेस मिलकर क्या बनेगा? बनाक स्पेस बनेगा। तो ये बनाक स्पेस की डेफिनेशन। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल इसका करते हैं। तो लिखिए, अगर रियल लाइन हम लें, सेट ऑफ रियल नंबर्स,
साथ ही कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये दोनों ही बनाक स्पेसेस के एग्जांपल्स हैं। किस तरह से ये बनाक स्पेस बनेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जांपल नंबर वन, प्रूव दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स कैपिटल आर इज ए बनाक स्पेस अंडर द नॉर्म डिफाइंड बाई नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर। तो प्रूव हमें ये करना है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स इस नॉर्म के लिए कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस बनेगा या बनाक स्पेस बनेगा। तो बनाक स्पेस में आपको दो चीजें प्रूव करनी है, नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करना है और साथ ही कंप्लीटनेस प्रूव करनी है। कंप्लीटनेस के लिए क्या प्रूव करोगे आप, कोसी सीक्वेंस मानोगे उसमें और प्रूव कर देंगे कि वो उसी स्पेस के किसी ना किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। तो देखिए यहां पर ये नॉर्म आपको डिफाइन किया है आर के लिए, क्योंकि रियल नंबर्स आप ले रहे हैं तो रियल नंबर्स में नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, इस तरह से नॉर्म हम डिफाइन करते हैं। इसी तरह का नॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम डिफाइन करेंगे, नॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू मोड जेड, नॉर्म फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहां से इसको हम सॉल्व करें, सबसे पहले हम इसको नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव करेंगे। टू प्रूव नॉर्म लीनियर स्पेस और इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्ट, सिंस नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू किसके हैं, मोड एक्स, और आपको पता है मोड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो यहां से मोड अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो नॉर्म ऑफ एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू आर। नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो अगर हम ये लेकर चले, नॉर्म एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज मोड एक्स इक्वल टू जीरो, बिकॉज नॉर्म एक्स इक्वल टू मोड एक्स, और किसी भी नंबर का मोड अगर जीरो आ रहा है, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू जीरो। इसी तरह से अगर एक्स जीरो है तब उसका मोड जीरो होगा, मोड अगर जीरो है तो मोड को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, नॉर्म से, नॉर्म भी क्या होगा जीरो। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, नॉर्म एक्स इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई अपने पास नॉर्म लीनियर स्पेस की। सेकंड प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, ये हम लेकर चल रहे हैं नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। तो नॉर्म की डेफिनेशन यहां से इस तरह से ले रहे हैं हम, नॉर्म एक्स इक्वल टू मोड एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूं मोड एक्स प्लस वाई। मोड के लिए आपको पता है मोड एक्स प्लस वाई क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, अलग अलग पर जो मोड करेंगे लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, और ये टर्म किसके बराबर होगी, इक्वल टू नॉर्म मोड एक्स इक्वल टू किसके है, नॉर्म एक्स प्लस मोड वाई इक्वल टू नॉर्म वाई। तो यहां से हमारे पास आ गया, दिस इंप्लाइज नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू, नॉर्म अल्फा एक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं इसको, मोड अल्फा एक्स। मोड की प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करें तो मोड एक्स वन एक्स टू इक्वल टू किसके लिख सकते हैं हम, मोड एक्स वन इंटू मोड ऑफ एक्स टू, सेपरेट कर सकते हैं मोड को, विच इज इक्वल टू मोड अल्फा इंटू मोड एक्स, और मोड एक्स इक्वल टू किसके ले सकता हूं मैं, नॉर्म ऑफ एक्स के। तो यहां से हमारे पास आ गया मोड अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, तो नॉर्म अल्फा एक्स इक्वल टू मोड अल्फा इंटू नॉर्म एक्स। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी होगी। तो यहां से प्रूव हो गया कि कैपिटल आर इस नॉर्म के लिए क्या बनेगा, नॉर्म लीनियर स्पेस बनेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, सो कैपिटल आर इज नॉर्म
लीनियर स्पेस। हमें प्रूव करना है कि कैपिटल आर क्या है, बनाक स्पेस। बनाक स्पेस के लिए एक चीज और हम यहां पर प्रूव करेंगे, कंप्लीटनेस। तो कंप्लीटनेस किस तरह से हम करेंगे, कंप्लीटनेस तो कंप्लीटनेस के लिए अपन एक कोसी सीक्वेंस कंसीडर करेंगे, किसके अंदर, आर के अंदर। अब रियल लाइन के लिए आप बहुत सारे रिजल्ट्स कोसी सीक्वेंस के और कन्वर्जेंट सीक्वेंस के कर चुके हैं, तो वहां से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैं ले रहा हूं, लेट एक्स एन बी ए कोसी सीक्वेंस इन आर। लेट एक्स एन बी ए कोसी सीक्वेंस इन आर। आपने ये पढ़ा है एवरी कोसी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज आल्सो बाउंडेड सीक्वेंस। रियल नंबर्स का कोई भी कोसी सीक्वेंस हमेशा क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस भी होता है, साथ ही कन्वर्जेंट के लिए भी है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस। तो मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड, सीक्वेंस एक्स एन इज बाउंडेड। अगर कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है तो बोल जानो वाइस्ट्रास थ्योरम आपने पढ़ी है, लिमिट पॉइंट के एग्जिस्टेंस की थ्योरम, कि लिमिट पॉइंट का एग्जिस्टेंस कब निश्चित रूप से होगा। तो वहां आपने पढ़ा है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ए लिमिट पॉइंट, हैज एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। तो अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस है तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई लिमिट पॉइंट होगा, और अगर किसी सीक्वेंस का कोई ना कोई लिमिट पॉइंट है तब उसका कोई ना कोई सबसीक्वेंस ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो उस लिमिट पॉइंट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बाउंडेड सीक्वेंस आपके पास है तब वहां पर उस सीक्वेंस का निश्चित रूप से कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस एक्स एन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। अगर सीक्वेंस एक्स एन का कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है और सीक्वेंस एक्स एन क्या है, कोसी सीक्वेंस, तो वापस आप आइए रियल नंबर्स की थ्योरम्स पर। ए कोसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, या इस तरह से आप कह सकते हैं, इफ ए कोसी सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, इफ ए कोसी सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस देन इट इज कन्वर्जेंट आल्सो। दिस इंप्लाइज कोसी सीक्वेंस एक्स एन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ये चीज है क्योंकि एक्स एन अपन कोसी सीक्वेंस लेकर चल रहे हैं और कोसी सीक्वेंस का क्या मिल गया हमें, कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। सो कोसी सीक्वेंस एक्स एन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, तो ये आपने थ्योरम पढ़ी है, इफ कोसी सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस देन इट इज कन्वर्जेंट। तो यहां से आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज सीक्वेंस एक्स एन इज कन्वर्जेंट इन आर। तो आर के अंदर कोसी सीक्वेंस हम लेकर चलें और हमने प्रूव कर दिया कि सीक्वेंस एक्स एन आर के अंदर क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्लीट स्पेस है, आर क्या हो गया, कंप्लीट, क्योंकि कोसी सीक्वेंस, हर एक कोसी सीक्वेंस आर के ही किसी ना किसी पॉइंट पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो यहां से आप लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज आर इज कंप्लीट स्पेस, एंड आर इज कंप्लीट स्पेस, साथ ही आर को नॉर्म लीनियर स्पेस हम पहले प्रूव कर चुके हैं। सो कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस इज कॉल्ड बनाक स्पेस। तो यहां से हम लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज आर इज ए बनाक स्पेस, बनाक स्पेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट। वैसे रियल के अंदर एक थ्योरम और भी हमने की थी, रियल लाइन पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कोसी सीक्वेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ए सीक्वेंस इज कोसी इफ एंड ओनली इफ इट इज
कन्वर्जेंट, ये थ्योरम हमने रियल लाइन पर पढ़ी है। इसके बाद बिल्कुल सिमिलर वे में आप दूसरा एग्जांपल लिख सकते हैं, प्रूव दैट एग्जांपल टू सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इसके अंदर नॉर्म ऑफ जेड इक्वल टू मोड जेड, जेड बिलोंगिंग टू सी। तो इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। ये भी किसका एग्जाम्पल है? बनाक स्पेस का। तो इसको आप प्रूव करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो लास्ट एग्जाम्पल हमने किया है रियल लाइंस का, बिल्कुल एज इट इज यहां पर सारी चीजें होंगी। तो सिमिलर वे में आप इसको प्रूव कर चुके हैं, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। तो ये दो एग्जाम्पल्स हमारे पास हो चुके कि सेट ऑफ रियल नंबर्स बनाक स्पेस बनता है, ये नॉर्म इस तरह से डिफाइन कर रखा है हमने। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये भी बनाक स्पेस बनता है इस नॉर्म के लिए। इसके बाद हम आगे के कुछ स्पेसेज और करेंगे कि आर स्क्वायर स्पेस है, आर एन स्पेस है, यूक्लिडियन स्पेस, या फिर सी एन स्पेस है, यूनिटरी स्पेस, या एल पी स्पेस है, एल इन्फिनिटी स्पेस है, सिक्वेंस ऑफ फंक्शंस है उसका सेट है, कंटिन्यूस फंक्शंस का सेट है। इस तरह के जो बहुत सारे सेट्स हमारे पास आर्बिट्री सेट्स हैं, क्या वो उनसे बनने वाला जो स्पेस है वो बनाक स्पेस होगा? वो सारे रिजल्ट्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में प्रूव करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें दो तीन इनइक्वलिटीज ध्यान रखनी है। इनइक्वलिटीज हम मैट्रिक स्पेसेज की जो सीरीज मैंने यहाँ पर डाली थी उसमें इनइक्वलिटीज के प्रूफ मैंने करवाए थे, होल्डर्स इनइक्वलिटी, कोसी स्वार्ज इनइक्वलिटी, मिनकोस की इनइक्वलिटी। ये ऐसी इनइक्वलिटीज हैं जिनको जब मैट्रिक स्पेस आप प्रूव करने जाते हो तो वहां पर भी वो लगातार काम में आती थी। यहाँ पर नॉर्म लीनियर स्पेसेस में भी आगे जो स्पेस हम करने वाले हैं वहां पर भी ये चीजें लगातार हमारे काम में आएंगी। तो एक बार आप डायरेक्टली नोट कर लीजिए इनइक्वलिटीज को। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप हमारे मैट्रिक स्पेसेस की प्लेलिस्ट में जाकर इनइक्वलिटीज के प्रूफ देख सकते हैं। तो लिखिए सम इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटीज। और इसमें नंबर वन होल्डर्स इनइक्वलिटी, होल्डर्स इनइक्वलिटी। तो होल्डर्स इनइक्वलिटी को इस तरह से हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेट x इक्वल टू जाई आई वेयर आई इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट बिलोंग्स टू एल पी स्पेस। सपोज y इक्वल टू ईटा आई, आई इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट बिलोंगिंग टू एल क्यू। सपोज x और y दो एलिमेंट्स हैं, x एल पी स्पेस का एलिमेंट है, सपोज y एल क्यू स्पेस का एलिमेंट है, जो इस तरह से अपन डिफाइन कर रहे हैं। एल पी स्पेस क्या होता है, एल क्यू स्पेस क्या होता है, ये आगे जब हम अलग अलग स्पेसेस को प्रूव करेंगे नॉर्म लीनियर स्पेस तो वहाँ क्लियरली बता देंगे आपको। और हम पहले भी मैट्रिक स्पेसेस की जब सीरीज हमने वहाँ मैट्रिक स्पेस उनको प्रूव किया था वहाँ वो सारी चीज़ें हमने बताई थी। तो ये x और y दो एलिमेंट्स में ले रहा हूँ, एक एल पी का एलिमेंट है, दूसरा एल क्यू का एलिमेंट है, देन होल्डर्स इनइक्वलिटी क्या होगी? देन समेशन मोड जाई आई ईटा आई, आई इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट इज लेस देन इक्वल टू समेशन मोड जाई जे पावर पी जे इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट होल पावर वन अपॉन पी इंटू समीशन ईटा के मोड पावर क्यू के इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट होल पावर
वन अपॉन क्यू। तो ये इनइक्वलिटी होल्डर्स इनइक्वलिटी कहलाती है। तो यहां पर आप देखिए, अब इंडेक्स है तो इंडेक्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहां जे की जगह हम आई इंडेक्स भी लेते हैं, के की जगह हम आई इंडेक्स भी ले सकते हैं। तो यहाँ ईटा आई, तो जैसे आई आई इंडेक्स आ रहे हैं तो सेम इंडेक्स भी यहाँ पर ले सकते हो। और वो थोड़ा सा डिस्टिंक्शन अलग दिखाने के लिए इस तरह से हम जो प्रूफ करते हैं तो इस तरह से चीज़ों को कंसिडर करते हैं। तो कुल मिलाकर ये है आप ध्यान रखने का तरीका है, पावर पी है, यहाँ पर पी है तो जाई वाली टर्म आपके पास है, इधर पावर क्यू होल पावर वन अपॉन क्यू है तो ईटा वाली टर्म हमारे पास है। तो अगर एक्स और वाई दो एलिमेंट्स हम एल पी और एल क्यू स्पेस के ले रहे हैं, जहां x के कंपोनेंट्स जाई आई बन रहे हैं, वाई के कंपोनेंट्स ईटा आई बन रहे हैं, देन ये जो इनइक्वलिटी है ये होल्डर्स इनइक्वलिटी इसे हम कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद सेकंड जो इनइक्वलिटी मैं यहां पर लिख रहा हूं, नंबर टू, सेकंड कोसी-स्वार्ज इनइक्वलिटी, कोसी स्वार्स इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी इसमें अपन इसका एक पार्टिकुलर केस ले लेते हैं, अगर P इक्वल टू Q इक्वल टू सपोज किसके है टू के, उस केस में इस इनइक्वलिटी को कोसी स्वार्स इनइक्वलिटी की फॉर्म में हम इस तरह से लिख देते हैं, समेशन मोड जाई आई ईटा आई आई इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट इज लेस देन इक्वल टू समेशन मोड जाई जे स्क्वायर होल पावर वन बाई टू जे इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट समेशन मोड ईटा के स्क्वायर होल पावर वन बाई टू के इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट। तो इस फॉर्म में हम कोसी स्वार्ज इनइक्वलिटी को लिख सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो नॉर्म हम डिफाइन करते हैं, समेशन एक्स इक्वल टू जाई आई आई इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट, ये एलिमेंट हम किसका ले रहे हैं, एलपी स्पेस का एलिमेंट ले रहे हैं। तो यहां पर इस एलिमेंट x के नॉर्म को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, नॉर्म ऑफ x इक्वल टू समेशन मोड जाई आई पावर p आई इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट होल पावर वन अपॉन p। इस फॉर्म में इसका नॉर्म हम डिफाइन करते हैं। और फिर p इक्वल टू टू के केस में नॉर्म x इक्वल टू मोड जाई आई स्क्वायर आ जाएगा यहां पर, इसके होल पावर वन बाई टू इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो इनइक्वलिटी आपके पास बन रही है, देखो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ये कंपोनेंट्स किसके हैं, एक्स वेक्टर के कंपोनेंट्स, तो ये टर्म तो क्या बनने वाली है, नॉर्म ऑफ एक्स। देखिए यहां से पी इक्वल टू टू रख दे इसमें तो नॉर्म एक्स की वैल्यू हमारे पास बनेगी। ईटा कंपोनेंट किसका था, वाई का, तो वाई के कंपोनेंट्स अगर यहां पर आ रहे हैं तो ये वाली टर्म क्या बनने वाली है, नॉर्म ऑफ वाई। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल कर आई, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, समेशन मोड जाई आई ईटा आई आई इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। तो कोसी स्वार्ज इनइक्वलिटी इस फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म काफी काम की है, जो हम बार बार यूज में भी लेंगे। अब ध्यान रहे आपको यहां पर एक्स किसका एलिमेंट है, एलपी का, तो x के जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, जाई आई, x को जाई आई की फॉर्म में लिख रहे हैं। इसी तरह से y के कंपोनेंट्स क्या है, ईटा आई, तो x के कंपोनेंट जाई आई है, उसके करस्पोंडिंग नॉर्म ऑफ x आ गया। y का कंपोनेंट क्या है, ईटा आई, तो वहां पर हमारे पास क्या आ गया, नॉर्म ऑफ y। तो आप इसको याद रखिए, आप समेशन ऑफ मोड जाई आई ईटा आई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x इंटू नॉर्म ऑफ y। तीसरी जो इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटी यहां पर है, मिनकोस्की इनइक्वलिटी। तो थर्ड लिखिए आप इसमें, मिनकोस्की इनइक्वलिटी। नंबर थ्री, मिनकोस्की इनइक्वलिटी।
तो इसमें लिखो लेट लेट x इक्वल टू जाई आई, आई इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट बिलोंगिंग टू एल पी, वाई इक्वल टू ईटा आई, आई इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट बिलोंगिंग टू एल पी। तो अब ध्यान रहे यहां पर होल्डर्स इनइक्वलिटी में x किसका एलिमेंट लिया था हमने एल पी का, y किसका एलिमेंट लिया था एल क्यू का, लेकिन यहां पर x और y दोनों सेम स्पेस के एलिमेंट हैं एल पी के, यानी p इक्वल टू क्या होना चाहिए वहां पर q होना चाहिए। देन मिनकोस की इनइक्वलिटी हम इस तरह से लिखते हैं समेसन समेसन मोड जाई आई प्लस ईटा आई, आई इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट पावर पी होल पावर वन अपॉन पी इज लेस देन इक्वल टू समेशन मोड जाई आई पावर पी, आई इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट होल पावर वन अपॉन पी प्लस समेशन मोड ईटा आई पावर पी, आई इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट होल पावर वन अपॉन पी। ठीक है, इस तरह से आप चाहें तो यहां पर जे लिख सकते हैं, जैसे हम लास्ट उसमें लिख रहे थे जे मैंने यहां पर लिख सकता हूं, ये मैंने जे लिख दिया, यहां पर इसको मैं के लिख सकता हूं, क्योंकि इंडेक्स से उसको आप वेरी करवाओगे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो डिस्टिंक्शन करने के लिए इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर होल्डर्स इनइक्वलिटी में जाई आई और ईटा आई मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आ रहे थे, और यहां पर किस में आ रहे हैं एडिशन की फॉर्म में आ रहे हैं, एक्स और वाई सेम स्पेस एल पी के एलिमेंट्स हैं, तो समीशन जाई आई प्लस ईटा आई मोड पावर पी होल पावर वन अपॉन पी इज लेस देन इक्वल टू जाई एक्स के एलिमेंट्स के लिए लिख दिया यहां पर, और फिर इधर किसके लिए वाई के कंपोनेंट्स के लिए इसको हमने लिख दिया। तो ये तीन जो इनइक्वलिटीज हैं ये काफी इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटीज हैं, जो हमारे आगे के एग्जाम्पल्स जब हम करेंगे उनमें लगातार इनको हम काम में लेंगे, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, बाकी हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे।